दोस्तों प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही फाइनल मैच खत्म हुआ और सरमनी हुई उसके बाद ऐसी तेज बारिश यहां पे शुरू हुई। अगर आप देख सकते हो यहां पर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में अभी मौजूद हैं आप, ये देखें कितनी तेज यहां पे बारिश हो रही है इस वक्त। और ये लगभग तकरीबन इस बारिश को शुरू हुए को ना कम अज़ कम 50 मिनट हो चुके हैं, आप घंटा भी कह सकते हैं इसको। और ऐसी तेज़ बारिश हमने अभी तक एशिया कप में नहीं देखी है और मुसलसल हुई जा रही है और हर गुजरते वक्त के साथ ये मजीद तेज़ हो रही है। साफ है कि अगर 50-50 ओवर का पूरा मैच होता तो आज एक इनिंग ही होनी थी, दूसरी इनिंग होनी नहीं थी जो लग रहा है सिचुएशन एक भी नहीं होनी थी। मगर दोस्तों आज का व्लॉग इस बारिश पे नहीं है क्योंकि ये बारिश अब माने नहीं रखती, एशिया कप खत्म हो गया, माने क्या रखता है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे जिसमें कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी थे और इंडिया के भी थे और वो इस चीज़ को एक रूमर बना रहे थे कि क्या ये फिक्स था इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद आप बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं श्रीलंकन फैंस का कर रहा था, मैंने उनको बोला बैड डे, उन्हें बोला नो इट वॉज नॉट अ बैड डे, इट वॉज अ गुड डे। ये डे बुरा नहीं था, हमारी टीम बुरा खेली, उन्होंने ये बोला। डे अच्छा था हमारा, डे बुरा नहीं था, हम फाइनल खेल रहे हैं, डे बुरा कैसे हो सकता है। और उन्होंने बोला कि हम कहीं नहीं थे, हम फाइनल खेले बहुत है, एक बुरी परफॉर्मेंस हुई जिसकी वजह से हम लोग हार गए, बट हम डिसअपॉइंटेड नहीं है, हमारी यही टीम वर्ल्ड कप में अच्छा खेल पेश करेगी। ये एक श्रीलंकन फैन का नो डाउट, यहाँ पे जो एजुकेशन का तनासुब है ना बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान इंडिया के नीचे बहुत ज़बरदस्त है। और लोग जो होते हैं ना प्रोपोगंडा थ्योरी उसके ऊपर इतना अमल नहीं करते हैं, ये लोग सेंस से काम लेते हैं। मैं ये किसी को तजहीक नहीं कर रहा, किसी पे वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम नेगेटिव थ्योरी के ऊपर शायद ज़्यादा चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आना कि कहीं मैच फिक्स तो नहीं था, इस बात पे आ रहा है कि यार इतनी जल्दी कैसे आउट कर लिया, जबकि इंडिया के बॉलर अच्छे हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दाऊद साहब आपको कहीं से भी डाउट हुआ इस मैच को लेके? देखें एक मिसाल है कि जब आगे हो जाए, बारिश आ रही है, बहुत तेज़ पानी आ रहा है इधर को जी। देखिए मिसाल ये है कि जब कबूतर बिल्ली को देखता है ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो ये समझता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मैं बच गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। हकीकत ये होती है कि वो आंखें बंद करके खाली अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है, हकीकत में बिल्ली उसको पकड़ लेती है। देखिए अगर हम ये बोलें कि मैच फिक्स है, ये इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। हमने इस मैच से क्या सीखना है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बींग अ पाकिस्तानी मैं सोच रहा हूँ कि इस मैच से हमें क्या मिला। हमें ये मिला है कि सिराज ने क्या किया, 15 ओवर में गेम ख़त्म कर दी। मैंने ये सीखा कि रोहित शर्मा ने ये नहीं सोचा कि वाशिंगटन सुंदर के 10 ओवर निकाल दूँ। मैंने ये सीखा कि वाशिंगटन सुंदर के बाद जडेजा के 10 ओवर नहीं निकाले गए या कुलदीप से बॉलिंग नहीं कराई गई। रोहित शर्मा ने 3 स्लिप लगा के रखे, फील्डर सारे आगे रखे, इवन पावर प्ले खत्म भी होगी फिर भी उसने सिर्फ 3 ही फील्डर बाहर रखे। क्यों? क्योंकि उसका माइंड में ये था कि मैंने इस गेम को जल्दी ख़त्म करनी है, अटैक अटैक और अटैक। ये सोच का फ़र्क है, ये अप्रोच का फ़र्क है। आज इंडियन फैंस हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि 266 जो था वो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, उसमें हम बोल रहे थे कि हम पकड़ लेते, हम वो टारगेट चेस करते। इंडियन फैंस बोल रहे थे भाई हमने बहुत बना दिया था, तो वो कह रहे हैं देखा भाई वजह ये है कि उस टाइम भी अगर इंडिया की टीम 150 पे ऑल आउट हो जाती, 4 जब आउट किए थे, अगर बाबर उस टाइम ही फील्ड अटैकिंग कर देते शायद 150 पे अटैक ऑल आउट इंडिया हो जाती। और उस टाइम इंडियन फैंस या आज भी ये बोलते ही ना कि इंडिया मैच में था, ये रियलिटी है। अब देखें उनको पता था या नहीं पता था, लेकिन आप देखें कि रोहित शर्मा ने ये सोचा कि गेम जितनी जल्दी हो सके मैं खत्म कर दूं ताकि बारिश से बचें। और उससे पहले भी बारिश थी, इवन मैं अली से बात भी कर रहा था कि कोलंबो का जो मौसम है अगर बारिश होगी तो फिर क्या होगा। हर 50 उससे में रहता था, बारिश हल्की हल्की आई थी, बूंदाबांदी, शुभमन और ईशान बैटिंग कर रहे थे, तो अली मुझे ये कहते हैं आप यार अब तो 50 रहेगी, अब तो शायद रिजर्व डे में भी हो जाए। लेकिन अभी आप देखें जैसे ये बारिश हो रही है ये रुकने वाली नहीं है। मैंने भी जब से कोलंबो में आया हूँ मैंने ये पहली बार ऐसी बारिश देखी है इतनी तेज जो एक साथ ही हो रही हो। आपको कहीं अली भाई मैच में आई है फिक्सिंग की बुक? नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बात वही है गालिब ख्याल अच्छा है दिल को बहलाने के लिए। आप नहीं है तो मैच फिक्स है, आप जीत गए तो मैच फिट है, आपके शहीन ने बोल्ड मारे हैं तो सब फिट है, उनका सिराज आउट कर गया तो मैच फिक्स है। ये इस तरह के मामला जो है वो चल रहे हैं भजन। देखे परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ती हैं, परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं। आज सिराज का बॉल जिस तरीके से घूम रहा था, जिस तरीके से अंदर बाहर सिराज का बॉल हो रहा था, पता चल रहा था कि वाकई किसी ने परफॉर्मेंसेस दिखाई है। इससे दिल को ना भिलाइए, रियलिटी चेक कीजिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ ये स्नूप में से निकली है, नंबर 1 नंबर 2 रैंकिंग, दिल जीतना, गुर्दे जीतना, बैठ के तस्मे बांध देना, किसी से तस्वीर खिंचा के सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना, इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, रियलिटी की तरफ आना पड़ेगा और हमें वो टीम बनानी पड़ेगी जिसको दिल गुर्दे से ज़्यादा मैच जीतने आते हों। बिल्कुल सही है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बारिश दिखाना चाह रहा हूँ और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फ़ैन इस चीज़ को लेके खुश हों कि मैच पहले ख़त्म हो गया। ये जितनी तेज़ बारिश है ना आप यकीन माने एक इनिंग बड़ी मुश्किल से पूरी होती और एशिया कप का फैसला पता क्या हो रहा होता,
कि श्रीलंका और इंडिया दोनों कंबाइंड चैंपियन है, जो एक बार पहले भी ऐसा हुआ। तो दोस्तों ये यहाँ की अपडेट थी, वो शायद एशिया कप को लेकर अब तक की फाइनल अपडेट थी। मजीद कोई और ख़ास चीज़ आई तो ज़रूर उस पर व्लॉग करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।